Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. UP के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि आज विपक्ष देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश में लगा हुआ है, कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर तो कभी आरक्षण के नाम पर। हालात यह हो गए हैं कि देश में आमजन को नुकसान पहुंचाने के लिए रेल की पटरियों पर अवरोध खड़े कर उन्हें डिरेल करने की घटनाएं की जा रही हैं। हिंदुओं को जातियों के नाम पर बांटने की उनकी साजिश भी सफल नहीं होनी है, लेकिन देश की जनता विपक्ष की इस चाल को समझ चुकी है। डॉक्टर दिनेश, आज हिंदी दिवस पर मोदीपुरम स्थित MSB कॉलेज ऑफ लॉ के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। देखिए क्या कहा केंद्रीय हिंदी संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा ने। प्रधानमंत्री ने इसीलिए कहा कि देश कैसे बढ़ेगा, जो गरीब है वो ऊपर उठे। दीनदयाल जी कहते थे कि कुएं में पड़ा हुआ व्यक्ति ऊपर आए और ऊपर वाला व्यक्ति नीचे चलकर उसको अपने हाथ पकड़ते बराबर रखा करते, यानी जो कमजोर है वो ऊपर उठे और बड़ा जो मजबूत है वो और मैं कहूंगा आप सबसे कि आप लोग को आधे घंटे की दूरी पर हो और यह विजय पूरे भारत को एक संदेश देगा, इसलिए अभी से गांठ बांध लो। ये विपक्षी ये सपा सपा महासपा भगपा आपा ये हिंदुस्तान को खराब करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में अविधता पैदा करना चाहते हैं और इसलिए कभी ये आर्थिक अस्थिरता पैदा करते हैं। कह दिया कि भला में भारत के जो उद्योगपति है उनके दुश्मन है, जो विदेशों के उद्योगपति हिंदुस्तान में आकर जिंदा है वो इनके अपने, ये आर्थिक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। नहीं हुआ तो बांग्लादेश जैसी अस्थिरता हो कि हिंदुस्तान में मारपाट लग जाए उनके लिए कोशिश शुरू कर दिया। आजकल जानते हो क्या करा रहे हैं, पीछे संपूर्ण और वक्त के नाम पर लेकर अगर सही नहीं हो तो उसमें संपूर्ण को इसे नहीं सुन रहे, इसे बीजेपी को बदलाव नहीं है और उनकी भले के लिए ये वक्त संशोधन ला रहे हैं, लेकिन उनको पड़ता कर कि वो संकल्प का ला ये संपा बड़े उच्चम पर चल रही है और घर घर गली गली कान चूक कर ये बैठे करा रही है कि आप पे विघटन पैदा करना चाहते हैं। ये चाहते कि दंगा हो, ये चाहते कि मारपाट हो, रेल की पटरियों में तो दुश्मनी है भाई, रेल की पटरियों के आगे सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े रख देते हैं, गैस का सिलेंडर रख देते हैं, पेट्रोल भरी हुई बोतल रख देते हैं, किसका भला कर रहे हो किसका बुरा। ये वंदे मातरम ट्रेनें चल गई, पहले पिछले नंबर पर था हिंदुस्तान में आती थी और देखा यही बनेगी और हवाई जहाज के द्वारा चुनाव आने के हम क्या लगे मतलब वो चलाने लगे तो इन सारे विभूतियों को खतरा हो गया। अब एक रेल की बात शुरू हो गया, रेल और एक दुर्घटना कराओ, अब दुर्घटना कराओगे तो किसको रोकना होगा, आम नागरिक को। जब जब हानि कराकर राजनीति करने वाले नेताओं इतना जान लेना, भारत की जनता अपने हक के निर्णय को लेना चाहती है और उसको मोदी जी विश्वास है, इसलिए मैं आप सबको कहूंगा इस प्रकार की घटनाएं आएंगी, लेकिन आप इन प्रकार की घटनाओं का प्रतिकार करना है और एकजुट रहना है। ये पहले आरक्षण के नाम पर बांटे, फिर ये संविधान रत्न नेहरू के नाम पर बांटे, आरक्षण किसने हटाया था, नेहरू जी आरक्षण नाम पे नहीं जाने चाहते थे, इसके आरक्षण को रुकना होना चाहिए तो 14,000 वोट से उनको हटा दिया, 70,000 वोट इनवैलिड कर दिए,
अंबेडकर जी हारे जन्मदिन में ये लोग प्रमोशन में आरक्षण को भी उन्हें समाप्त कर दिया था समाजवादी पार्टी ने आज ये झूठा प्रचार भाजपा के नाम पर भाजपा इनकी विरोधी भाजपा उनकी विरोधी ये जात ये फलाना जात अरे तुम केवल केवल सनातन में ही जात सोचते हो सभी धर्मों में जातियां हैं और हिंदू धर्म से ज्यादा जाति दूसरे धर्म में लेकिन बांटना हिंदू धर्म है सनातन धर्म है इसलिए चार के अंदर भी जाती और उसके अंदर भी जाती और एक जाति दूसरे के लोग जो कांग्रेस कह रहा हूं कि मंगलवाणी की धरती है और यहां पर सबसे पहले अंग्रेजों के दांत इकट्ठे करने के लिए यहां पर क्रांति है इसलिए आपको क्रांति नहीं आपको शांति करनी है और आपको शांति कैसे करनी है लोग मुझे कह रहे थे डॉक्टर साहब देखो फोटो में मुंह फोटो लगाए है गिरफ्तार फोटो में इतना आदमी रहती है मैंने कहा मेरा बस चले तो इतना कोर्ट में नहीं कोर्ट में ये कोर्ट में करना चाहिए सब यहाँ सब्जेक्ट बनना चाहिए जिससे हम जीवन देते हैं आपने मुझे बुलाया मैं धन्यवाद दूंगा लेकिन एक अनुरोध करने जा रहा हूं सब लोग सुन लो अब मुझे मोबाइल निकालो ये सारे मुझे कह रहे थे मोबाइल निकालिए और जैसा मैं कह रहा हूं कि अपने मोबाइल पर नंबर मिलाओ यही कॉल आता है नंबर मिलाइए 8800002024 ये मिलाइए और इसमें फिर जो इंफॉर्मेशन हो जाए इसमें ओटीपी आएगा उसके साथ अपने इंफॉर्मेशन भर दीजिए और भर कर भाजपा के सदस्य बनिए ये सदस्यता अभियान है इसको हम लोग अभियान नहीं सदस्यता महापर्व कह रहे हैं ये पर्व है पर्व कहता है भाजपा के साथ में जुड़ने का भाजपा के साथ दो रास्ता बंद कर देंगे और पंडित जी को मान भी जाए लेकिन अजय बराबर नहीं मानेंगे तो मैं मान के चलता हूँ कि जब जाना है तो चाय पीने ही पीना है तो हाँ मेरा घर और मेरी यादें यहाँ पर पूरी है बरसते पानी में हजारों लोगों के बीच से मैं आया था इसकी शुरुआत में दोबारा आया था जब पूज्य बाबू जी की आदरणीय मल्खान सिंह जी की मूर्ति का अनावरण था वो मेरे आंदे हुआ था और लोगों का मेरे यहाँ पर बहुत हो गया था एक ग्रामीण पंडित जी क्षेत्र में और लोगों को आशा यही कि ये शिक्षा का केंद्र हो अच्छी सड़कें हो बिजली हो और यहां से निकलने वाले पुलों का निर्माण हो मैं तो बधाई ये इन्होंने पूरा योजना बनाकर माननीय गडकरी जी से इन सब चीजों कराया है मैं बधाई भी देता हूं और आज दो चीजों में जो पेड़ माफ देना प्रधानमंत्री का आभार कि मैं पर्यावरण का संतुलन और पर्यावरण के संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर किया जाए ये वृक्ष वास्तव में वृक्ष नहीं ऑक्सीजन का सिलेंडर है और ऑक्सीजन का सिलेंडर अपना एक नाम देता है हमारे वहां पे गर्भिणी आना है पितर पक्षी कई जगह पूछते हैं आने वाला है गुजरात का मैं पढ़ाई था तो गुजरात में ऐसी व्यवस्था थी कि साधारण मैदान होते थे तो वहां के लोग एक एक वृक्ष अपने माता पिता के नाम पर लगा देते थे
और साल भर उनकी रचना करते थे। पूरण से जब बड़ा हो जाता था तो उसका पूर्वा और जिस दिन आदरणीय मल्लखर सिंह जी का देहांत होगा तो उन्होंने पूरा परिवार आसपास बैठकर ही ब्राह्मणों को भोजन खिलाया और पूजा पाठ किया। अपने माता पिता के नाम पर या अपने पूर्वजों के नाम पर बाबा दादी के नाम पर हम सब लोग जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस वैसे तो भारत है इसको हमारी राजभाषा है, लोगों की आकांक्षा की ये राष्ट्रभाषा के रूप में है, लेकिन भारत बहुभाषीय भाषाओं का केंद्र है और हमारी नई शिक्षा नीति में जो हमारी भारतीय भाषा है चाहे वो तेलुगु है, तमिल है, बंगला है, मलयालम है, कोंकण है, कन्नड़ है, सभी भाषाओं का जो उर्दू है सभी भाषाओं को सम्मान स्तर रखा गया है और हिंदी लोगों के द्वारा श्रोता से आत्मसात किया जाए। आज 90% लोगों पर लोग दूसरे के ऊपर लेकिन लोगों को हिंदी का उपयोग करते बोलते हैं और देखिए आज हिंदी दिवस के अवसर पर ही मुझे भारतवर्ष की जो राज्य हिंदी भाषा कमेटी है उसकी एक कमेटी का मुझे अध्यक्ष बनाया है। ये भारत सरकार की तरफ से और ये मैं समझता हूँ कि हमारे गृह मंत्री जी को मैं साधुवाद दूंगा कि आज उन्होंने हिंदी दिवस पर ये उपहार दिया। हम सब के लिए तो हिंदी दिवस नहीं है, ये मातृभाषा कहलाती है, मातृ यानी मां की भाषा है और हिंदी तमाम अन्य भाषाओं की जननी है और अन्य भाषाओं की जननी के साथ साथ अगर कहें दूसरी भाषाएं भी उनकी बहनें हैं, सभी बहनें भले भूले लेकिन हिंदी का प्रचार और ज्यादा बढ़े ये हम सबकी संकल्प है और समय के बदले। इस मौके पर मौजूद निवृत्तमान मंत्री पंडित सुनील भराला ने यह कहा, जब इस मार्ग से लाखसा आए होंगे तो एक छोटा सा मार्ग बनाया, लेकिन उन्होंने उसी दिन कहा कि हाँ एक मार्ग की आवश्यकता है, यदि क्षेत्र के जो विद्यार्थी आते हैं उनको परेशानी से बचना होगा, ऐसे काम कराने का आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह कहा। हमारे बीच में जितेंद्र जी हैं प्रधान जी सिवाय के जो जिन्होंने उनके साथ में लोकतंत्र सेनानी के साथ बहुत काम किया, उनके साथ चुनाव लड़वाने में उनकी सहभागिता रहती थी, मैं उनका भी यहाँ अभिनंदन करता हूँ और सभी जो यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए मैं उनका भी बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ और सीधा जो डॉक्टर साहब को जाना है मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से यहाँ पर सभी से विचार रखने से पूर्व सबसे अनुरोध करूँगा कि जहाँ जगह हो जगह ले ले डॉक्टर साहब को संबोधन के लिए सब बैठ जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।